स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के नालंदा की। बता दें कि बिहार के नालंदा को गांवों को बड़ी सौगात मिली है, जहां 58 लाख से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार के नालंदा जिले के अस्थमा प्रखंड के उगावा और औंदा पंचायत में 58 लाख की लागत के कई योजनाओं का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा, सांसद कौशलेश कुमार और जेडीयू के विधायक जितेंद्र कुमार के हाथों किया गया है। इस मौके पर औंदा पंचायत में एक सभा को भी संबोधित किया गया, जहां बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वो केंद्र में गिरिराज सिंह के मंत्री बने हैं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब मध्य प्रदेश के तोमर साहब यहाँ मंत्री थे, तो उनकी तरफ से बिहार को 10 लाख पीएम आवास आवंटित किया गया, लेकिन जब से बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री बने हैं, एक भी पीएम आवास बिहार को आवंटित नहीं किया गया है। अरे ठाबले जी का यही काम है, वो तो इंडिया के एजेंट हैं, आ इंडिया उनको खराब लग रहा है, वो भी आ जाएंगे, हम बता देते हैं आपको। तो ज़्यादा दिन मोदी जी की तारीफ हम नहीं करेंगे। और जो भोज के बात कर रहे हैं, भोज में हम लोग नहीं गए कि हम लोग माननीय जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय भोज दे रहे हैं, कोठी का भोज है, उसमें लिखले नहीं है, ऐसे भोज थोड़े दिया जाता है। तो तब होता है कि पहले ग्रामीण विकास मंत्री एक दूसरे स्टेट के थे, मध्य प्रदेश के थे, तोमर साहब थे, तो उनसे मिल करके हमने बात किया, तो एक बार हमको 10 लाख से ज्यादा आवास मिला बिहार को। लेकिन जब से बिहार में जो गिरिराज बाबू मंत्री हैं, ये बड़ेही के रहने वाले हैं, बढ़िया के रहने वाले हैं, और बेगूसराय से सांसद हैं, ये जब से मंत्री बने हैं, बिहार को एक आवास बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये आप नेट पर भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो देख सकते हैं, और टेलीविजन और मीडिया में तो कई बार चला है, लेकिन उससे भारत सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा ने मणिपुर हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर कई दिनों से सदन नहीं चल रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों की तरफ से मणिपुर हिंसा में सदन चर्चा की मांग के साथ प्रधानमंत्री के जवाब देने की भी मांग की लगातार की जा रही है। इसको लेकर रोहतक लोकसभा में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने मणिपुर की घटना को लेकर बयान दिया। अरविंद शर्मा ने कहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो पुरानी है। उन्होंने कहा कि इतिहास उठाकर देख लो कि किस प्रकार की लंबी लंबी हिंसा की घटनाएं मणिपुर से सामने आई हैं। मणिपुर में हिंसा पहले से ही होती रही है। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री और सरकार गंभीर है। वहाँ मणिपुर में अब तक 34,000 से ज्यादा की फौज भेज चुकी गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री और राज्य सरकार गंभीर है और इस कड़ी में लगातार रिपोर्ट कार्ड भी मंगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीने के पानी के बारे में, बिजली पे बात की, फ्लड की, इरिगेशन, आपने देखा क्या सिचुएशन बनी हुई है, सिंचाई पे बात की, पेंशन डिपार्टमेंट की, और भाई और भी गरीबों से और जो अंत्योदय तक की योजनाओं तक। तो ब्रिटेन में बात रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां भिवानी की तरफ से पानी छोड़े जाने का मामला भरपूर पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर हरियाणा और राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में भिवानी की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ जॉइंट मीटिंग बुलाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेश को मिलकर एक संयुक्त टीम का गठन करना होगा, जहां दूषित पानी की वजह से आम जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वार्निंग के बाद राजस्थान की ओर से गंदे पानी को रिसाइकिल करने के लिए टेंडर भी निकाल दिए गए हैं, जिसको लेकर राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि समस्या को जल्द ही दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही इसका समाधान भी निकाला जाएगा।
बेटर बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो रादौर में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री संदीप सिंह शामिल नहीं हुए। इस कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव राज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कुलपति ने कहा है कि शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देश की प्रगति के लिए, युवाओं के सही रास्ता दिखाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां युवा शक्ति के बदौलत ही प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का सपना देखा है। भूमि की रक्षा के लिए वो किसी एक समाज के नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम था। और जलियांवाला बाग में जो निर्मम हत्या की गई थी उन निर्दोषों की, उनका बदला लेने के लिए शहीद उधम सिंह जी ने 21 साल तक इंतज़ार किया। हमारे जितनी भी युवा शक्ति है जो देश की प्रगति में काम आ सकती है, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम अति आवश्यक है। मैं सभी आयोजकों का आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आज रादौर में आयोजन किया। की रक्षा बेटर में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां यमुनानगर के दुर्गा गार्डन कॉलोनी में फायरिंग का मामला सामने आया है। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया है। तो यमुनानगर के दुर्गा गार्डन कॉलोनी में दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाश ने एक सर्विस स्टेशन के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है, जिसका नाम रमन बताया जा रहा है, जहाँ उसे यमुनानगर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। फायरिंग की वारदात के बाद डीएसपी राजीव समेत कई थानों के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां डीएसपी राजीव कुमार का कहना है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। एक बदमाश बाइक से उतरकर अंदर सर्विस स्टेशन के अंदर एक युवक पर फायरिंग कर देता है, जिसमें व्यक्ति घायल हो जाता है। बता दें कि इस दौरान डीसी ने बताया है कि मौके पर फॉरेंसिक की टीम की मदद से जांच की जा रही है। प्रसाद का वही प्रसाद की वजह से काम भी नहीं था आज, तो मैं यहाँ लेटा हुआ था, तो मेरा जो साथी था वो सामने लेटा हुआ था, तो मैं जस्ट मतलब कि अभी उधर गया ही हूँ, साथ वाली कोठी है जी, तो वहाँ जाके बैठा ही हूँ, तो एकदम पटाखों की आवाज़ आई। पटाखों की जा रहा हूँ, तो देखो सही बाहर निकल गए। जब बाहर निकल गए एकदम यहाँ पास ही पहुँचा गैरेज के, तो एक लड़का भागता जा रहा था, तो बाइक पे बैठ के साथ ही निकल गए। तो उन्होंने मतलब रमन को इस कारण मारी, उन्होंने सोचा मैं ही लेटा हूँ वहाँ पे। इंसिडेंट है, फायरिंग इंसिडेंट, 3 लड़के हैं, एक बिना नंबर की बाइक प्लेट पे आते हैं। छोटी लाइन के पास दुर्गा गार्डन का एरिया है, यहाँ पे एक वॉशिंग सेंटर या गैराज है, वहाँ पे एक फायरिंग उन्होंने की है, और इसमें एक व्यक्ति है, उसको अपना बाजू पे इंजरी है, अंडर ट्रीटमेंट है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी ये जो लोग हैं कौन थे नहीं थे, इनकी अभी शिनाख्त चल रही है, सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने टेकअप कर ली है। सर कितने राउंड फायर? अराउंड अभी FSL टीम मेरी मौका विजिट कर रही है यहीं पास में, इनिशियली जो अपना 4 राउंड अभी तक मिले हैं, बाकी और के लिए भी सर्च जारी है, और उसमें जल्दी क्लियर कर देंगे आफ्टर माइन्यूट इंस्पेक्शन, स्पॉट इंस्पेक्शन करके जो भी जितने भी राउंड हैं, और कुछ CCTV फुटेज भी अभी चल रही है, उसमें क्लियर हो जाएगा कितने राउंड फायर करे हैं। लगभग अपना 3 लोग आए थे, उन्होंने फायरिंग करी। वेटर बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां पानी के टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। इस दौरान पानी टैंक की सफाई के दौरान 2 कर्मचारी गैस की वजह से बेहोश हुए। तो रोहतक के झज्जर जिला में दीघल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के स्थित पानी के टैंक की सफाई के लिए उतरे रोहतक PGI के 2 कर्मचारियों को गैस चढ़ गई, जिस कारण दोनों कर्मचारी टैंक में ही बेहोश होकर गिर गए। इसका पता लगते ही वहां मौजूद बाकी कर्मचारियों ने उन्हें टैंक से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें रोहतक PGI में भर्ती कराया गया है। इनकी पहचान रोहतक की गांठ मंडी निवासी करीब 30 साल के अजय और गांव बसाना निवासी तंदूप के रूप में हुई है। बता दें कि दोनों ही कौशल रोजगार निगम के तहत यहां कर्मचारी के पोस्ट पर लगे हुए थे। मेरा दिनेश नाम है जी, मैं हेड प्लम्बर की पोस्ट पर काम करता हूं। क्या हादसा हो गया था, कैसे हो? हादसा जी, हम डिगल जा रहे थे, वाला जी ने ठेकेदार हरे को देविंदर है, उसने जी क्या कह यार, 2 बाल का पैंट उतरवा कर बोले कुएं में उतर जाओ, कुएं में उतर गए, तो उसका अंदर ही जो चक्कर आ गए, फिर हमने रस्सी से पेड़ के ऊपर काटा। क्या क्या नाम है? अजय और संदीप। वो किस पद पे काम करते? वो अजय तो मेरे साथ है जी, सीवरमैन के पद पर है, और संदीप इसके साथ था। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं सीवरमैन यूनियन का प्रधान हूँ। हमारे यहाँ 2 सीवरमैनों को गैस लगी, 2 सीवरमैनों की ड्यूटी मारी, आज
और संदीप की ड्यूटी यहाँ 10-12 साल हो जाए मेडिकल में कर्मचारी हैं। अब वो हरियाणा कौशल के अधीन काम करते हैं। उनको डिग्गल ले जाएगा पानी के टैंक में, जेई ने और ठेकेदार ने जबरदस्ती उतारा गया। उन्होंने कहा भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी ड्यूटी मेडिकल के अंदर है, मेडिकल से बाहर हमारा कोई कार्य नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। वहाँ जाकर बिना सेफ्टी किट के बिना उसके उनको अंदर डाला, जब भी कोई सीवर के अंदर उतरता है तो उसको सेफ्टी किट बायदा उसके लो बुक में दस्तक और कई जगह साइन करवाए जाते हैं। जेई ठेकेदार के साथ गोलमाल करके उसको उनकी लेबर को बचाने के चक्कर में सरकारी आदमियों के पास काम करवाया जाता है। इस चक्कर उनको बेटन बात पलवल की कर लेते हैं, जहां पलवल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पलवल पुलिस ने सचिन ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। चारों आरोपियों ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस का कहना है कि अब चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि पुरानी रंजिश का बदला लेने की नीयत से उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सचिन की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस ने बताया है कि इस मौके में बाकी फरार चल रहे आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये मामला 14-15 जुलाई का है, जिसमें हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है गांव आलापुर के पास, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो तुरंत ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लिया और उसके कागज़ों के आधार पर उसकी पहचान की गई, जिसका नाम सचिन था, महसरावली गांव का। तो तुरंत ही SP लोकेंद्र सिंह सर के मार्गदर्शन में हमने FIR रजिस्टर की और हम इस ब्लाइंड मर्डर को सचिन के ट्रेस करने में जुट गए। तो CIA पलवल इंचार्ज मोहम्मद इलियास की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 26 जुलाई को उसने इस मर्डर में शामिल एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, सुमित नाम के। ये Sector 8 फरीदाबाद का निवासी है और इसको 3 दिन की फिर रिमांड पर लिया गया। और उसके बाद जैसे जैसे उसने डिस्क्लोज किया और अन्य एविडेंस सामने आए, तो बेटन बात मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां ससुराल गए युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तो मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बहुवारा गांव में अपने ससुराल आए युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने आनंद फानन में युवक का शव नहर किनारे दफना दिया, जहाँ ग्रामीणों से जानकारी मिलने के बाद मृतक के घर वाले उसके ससुराल पहुंचे, लेकिन उसके ससुराल वाले तब तक घर छोड़कर फरार हो गए थे। मृतक के परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मृतक के शव को नहर से किनारे से मिट्टी से खोद कर बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस अब इस मामले की आगे की जाँच में जुट गई। कैसे कहा भेज तो पहले तो हमारे लड़के पंजाब रहे। क्या करते हैं वो पंजाब? सेलर में काम करता है, घर में काम करता था। तो यहाँ से फोन गया हूँ, कोई आदमी गांव के फोन किया तो तेरा पत्नी नहीं है, वहाँ से आया तो अकाउंट चेक करवाया तो अकाउंट में से इसको 70-80 हज़ार रुपया निकाल लिया था, प्लस मतलब अजय लोन भी लिया था। आज सब पैसा लेकर के 2 थान सोना का, 3 थान चांदी का, ये सब लेके भाग के चलाया। हमारे लड़का मतलब यहाँ से आया तो पहले तो मारपीट किया था। हुआ यह है कि हमारा भाई बाहर काम करता है शहर में, तो उसको गांव से फोन आया, उसको पास के बोलो तुम्हारा पत्नी घर पे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, तो ये अपना देखा तो इसका अकाउंट में से 40-50 हज़ार का रुपया काट के उसका पत्नी अपने नैहर में भागाई हुई थी। पूछा क्यों भागा गई थे, इसका जवाब उसने नहीं दिया। बुलाने के लिए जब आया यहाँ तो उसका सार सब बोला कि आइए जी हम बिदागिरी कर देते हैं। दिया तो इसको सबसे फर्स्ट दिन वहाँ पर पहुँचते ही ब्रिटेन में बात मोतिहारी की कर लेते हैं, जहाँ रेलवे ट्रैक पर सब मिलने से पूरे इलाके में हलचल मच गया। तो मोतिहारी के गुड़ासहन स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक के शव का बरामद हुआ। मृतक की पहचान गुड़ासहन थाना के चौकीदार के लालू बाबू राव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद चौकीदार के घर में कोहराम मच गया। इस दौरान GRP थाना पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई। प्रतिदिन जाते थे फील्ड में टहलने, सुबह में फ्रेश होने जाते हैं वहाँ पे, और आज घर से निकले सुबह में। उसके बाद हमको सूचना मिला है कि ट्रेन से कट गया, तो उसके बाद हम स्टेशन के पास पहुँचे हैं।
कब बजे निकले निकले थे भाई करीबन 3:30 बजे। आप लोग कैसे पानी का? हमको 5 बजे मालूम हुआ, वहाँ एक बच्चा फ़ोन किया था जब पीटे जी का अपना आपके बारे में रेलवे स्टेशन घोड़ा सहन से हमको फ़ोन किया गया कि रेलवे स्टेशन घोड़ा सहन पे करीब 300 मीटर पश्चिम एक लाश पड़ा हुआ है रेलवे लाइन के दोनों तरफ, और जहां लाश पड़ा हुआ है हम लोग सूचना मिलने के बाद वहां तुरंत पहुंचे। पहुंचने के बाद ये लाश 152/14 किलोमीटर के पास में था, तो वहां से बगल में एक फील्ड है जिसमें दौड़ने के लिए देखे कि बगल के रास्ते से सुबह में बहुत से नवयुवक जा रहे थे, उन्हीं को हम पहचानने के लिए बोले। तो बुलेटिन के आखिरी में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां सड़क दुर्घटना सामने आई है। बता दें कि यमुनानगर में कार और ट्रैक्टर की टक्कर हुई है। तो हरियाणा के यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार के सवार युवक की मौत हुई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये लगभग 2 बजे का दोपहर 2 बजे का वाक्य है कि ये 4-5 दोस्त गाँव चूड़पुर कला से छछरौली की तरफ जा रहे थे, और छछरौली की तरफ से गाँव चूड़पुर का एक गवर्नमेंट स्कूल है रोड के ऊपर ही, पोंटा रोड हाईवे के ऊपर। तो ये तेज गति से, काफी तेज गति थी इसकी जो लोगों ने वहां पे बताया है, तो इसने एकदम से इनको टक्कर मार दी और एक बच्चा तो मौके पे पूरा हो गया, बाकी 4 की हालत गंभीर है। ट्रैक्टर ट्राली था, सोनाली का ट्रैक्टर था, और ये 4-5 लड़के ये कार में थे, डिजायर कार थी। हाँ जी, आमने सामने की टक्कर। ये कार थी चौड़पुर की, इसमें 6 दोस्त थे। एक आयरन नाम का लड़का था जो अपने काम से जरूरी काम के लिए करीब 2 बजे के छछरौली के लिए चले थे, और जब ये मलिकपुर खादर स्कूल सरकारी स्कूल के सामने पहुंचे मेन रोड पे, तो छछरौली की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्राली है, सोनाली का ट्रैक्टर है, जो जिसने आमने सामने एक टक्कर मार दी, और इसमें 6 के 6 लड़के इंजर्ड हो गए। और जब सभी को हॉस्पिटल भेजा तो इनमें एक आयरन लड़का है चौड़पुर का, उसकी हॉस्पिटल पहुँचने से पहले मौत हो गई। तो ये लगभग 2 बजे का दोपहर 2 बजे का वाक्य है कि ये आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC News।